तो फाइनली गाइस अपने ओबी 39 का अपडेट आ चुका है। यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है, अपना लोगों को सब कुछ फ्री फायर मैक्स का यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो मैं इसको जल्दी से अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा गेम यहाँ पर ओपन भी हो गया, जैसे मैं इसको अपडेट करके ओपन करूंगा तो मेरा यहाँ पर गेम भी ओपन हो गया है। और जो लोग यहाँ पर फ्री फायर मैक्स नहीं खेलते और फ्री फायर खेलते उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि हमारे फ्री फायर को अपडेट कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्मल फ्री फायर को कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले हम फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद अपने नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करेंगे। तो मैंने इसको अपडेट कर लिया है, इसको अब ओपन भी करके देख लेते हैं, इंस्टॉल हो रहा है, इसको जल्दी से ओपन भी करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं अपने गेम को ओपन करता हूं तो यहां पर अपने सीएस का यहां पर सीजन चेंज हो चुका है। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर मेरा गेम भी ओपन हो गया है। तो आप यहां पर इसको फाइनली ऐसे करके अपडेट कर लेना। और अब बात करते हैं अपने नॉर्मल फ्री फायर को कैसे अपडेट करना है। नॉर्मल फ्री फायर को आपको अपडेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होने वाली है, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। आपको यहां पर कोई ज्यादा झंझट का काम नहीं है, आपको बस एक सेकंड में क्लिक करोगे आपका नॉर्मल फ्री फायर अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको जल्दी से प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन का नाम है एपीके पोर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप जिसको ऐसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है फ्री फायर। जैसे आप फ्री फायर सर्च करते हो तो आपको सामने न्यू लोगो वाला फ्री फायर आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पर अपडेट का आएगा, अगर रन नहीं होगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का आएगा। यहाँ पर 388 MB का अपडेट आएगा, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। तो मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल या फिर अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे सिंपली प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है। तो आपको जैसे इसको अपडेट करोगे फिर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जैसे ये लोडिंग लेगा फिर आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करोगे फिर आपका यहाँ पर गेम यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर जैसे आपका गेम यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप उसके बाद अपने गेम को यहाँ पर ओपन कर सकते हो इजी तरीके से। तो मैंने आपको नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करने के लिए बेस्ट ट्रिक बताई है, आपको वन क्लिक में आपका फ्री फायर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और आपको किसी वेबसाइट पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको यहाँ पर पुराना वर्जन मिलेगा, फिर आपका गेम भी यहाँ पर ओपन नहीं होगा और आपका डेटा भी वेस्ट चला जाएगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।